और अगर ये शरीर ही नहीं रहा तो अगर आपके साधना का साधन ये शरीर है और शरीर के अंदर जो जीवात्मा है ये हमारे परमात्मा का अंश है तो बताओ इसे सुरक्षित रखना चाहिए हाँ या ना? हाथ उठा के बताना, रखना चाहिए ना? अगर भगवान ने आपको या आपके पुत्र ने या आपने अपने पुत्र के हाथ में माचिस दे दिया है, अगर उसका विवेक शून्य होगा तो घर में रखी हुई वस्तु को भी जला सकता है, क्रोध में रहेगा तो स्वयं को भी अग्नि के हवाले कर सकता है, और अगर सात्विक रहेगा तो मंदिर में ज्योति जलाएगा और समाज में वर्चस्व ज्ञान की ज्योति जलाकर अंधकार को दूर कर देगा। तो आप अपने साधन को जुटा रहे हो, भौतिक साधन को जुटा रहे हो, और वास्तविक जो आपके जीवन में साधन है उसको आप निष्क्रिय बना रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। साधना का साधन ये शरीर है, अंतःकरण वासित ब्रह्मा वाहे वायव्य जायन्ते ब्रह्मा, अंदर भी ब्रह्म है बाहर भी ब्रह्म है, कण कण में ब्रह्म है, चल अचराचर में ब्रह्म है, वायु में ब्रह्म है, अग्नि में ब्रह्म है, प्रकृति में ब्रह्म है, जहां देखो वहां ब्रह्म ही ब्रह्म है। जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। फिर भी हम वही करते हैं, हमारे हृदय में परमात्मा का वास है, फिर भी हम तमोगुणी भोजन क्यों करते हैं, क्यों देते हैं हम अपने इष्ट को कष्ट? अंतःकरण में परमात्मा का वास है, आप मांसाहार करते हो तो आपकी बुद्धि क्रूर हो जाएगी, आप निर्णय नहीं ले पाओगे। तो शरीर में तत्व तो क्या क्या है? अग्नि है, भूमि है, जल है, वायु है, और अगर आप ध्यान से सुने, अगर आपके शरीर में जल का महत्व या जल का लेवल बढ़ जाए और अग्नि शून्य हो जाए तो आपको किडनियां फेल हो जाएंगी, जलोदर की नई बीमारी हो जाएगी, 2B 4B हम जिसे कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, उसी को हमारे अध्यात्म में आयुर्वेद में जठराग्नि मंदाग्नि कहा गया। हमारे ब्रेन के 150 बीटा सेल्स 6 सीक्वेंसेस जिन्हें मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं उसे ही हमने अश्नायु कहा। हमारा एक निवेदन है कि प्रभु ने आप लोगों को अगर ये तन दिया है तो इसका सदुपयोग करें, अगर इसका दुरुपयोग करेंगे, साधना का साधन अगर ये शरीर है और अगर आप शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो आपके किसी भी साधन को साध्य नहीं कर पाएंगे, दशा ऐसी हो जाएगी कि एक गरीब रोता है कि शाम को भोजन कहां से करूं, क्योंकि उसके पास भोजन के लिए अन्न सामग्री लाने के लिए धन नहीं है, और दूसरा अरबपति है, सब कुछ है, डॉक्टर्स ने कह दिया डायबिटीज टाइप 1 और क्रिएटिनिन अनबैलेंस है, अब वो भी सोचता है क्या खाऊं, सब तो बंद हो गया। रिंगना नहीं खाया, बटाटा नहीं, मिठू नहीं, चाय नहीं,
सब तो बंद हो गया। अगर इस शरीर को संभालेंगे तो आप दीर्घायु होंगे। आयुर्बल यशो वर्च प्रजापाशूनि वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञाम नो देही त्वम देही वनस्पति। आयुर्वेद से आयु की वृद्धि होती है। अभिप्राय कि साधना का साधन परमात्मा ने दिया है, इसे साध्य करो। और अगर इस शरीर रूपी साधन को साध्य किया तो असाध्य रोगों से ऐसे ही बच जाओगे। हमसे लोग पूछते हैं, स्वामी जी आपने 14 वर्ष लगातार भोजन नहीं किया, निरंतर चौदह वर्ष भोजन किया ही नहीं, और अभी भी कुछ समय भोजन। लोग पूछते कैसे रहते हैं, लेकिन स्वामी जी आपके पास एनर्जी कहां से आती है? तो प्रकृति में पदार्थ और ऊर्जा दो चीजें हैं। आध्यात्मिक व्यवस्था को देखेंगे तो शक्ति और शिव है, प्रकृति और पुरुष। आए कथा की ओर। निवेदन इतना है कि सात्विक आहार करें, सद्विचार से रहें, अपने से बड़ों की सेवा करें। अतिथि देवो भव, मातृ पिता देवो भव, आचार्य देवो भव, सद्गुरु देवो भव, इनको जीवन में उतारें। गौ गंगा गुरु गायत्री और गीता, इस पे चलें, क्योंकि हमारे सनातन के यही पांच स्तंभ हैं। अगर इनमें से एक भी कम हो गया तो कहानी गड़बड़ हो जाए। द्वितीय प्रश्न, पति पत्नी हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं तो चर्चाएं तो होंगी ना, कि दो फूल खिले, दो चमन खिले, दो सपनों ने सिंगार किया, दो दूर देश के राही ने संग संग चलना स्वीकार किया। रुक्मणी ने कहा, आप जिस राधा का बार बार नाम लेते हो उस राधा का स्वभाव कैसा है? कहने लगे, मिश्री जितना मीठा। फिर आ बोल मुझे मार। और हमारा नमक के जैसा। ये प्रमाण है। मैं हमेशा लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा में, रामचरितमानस में, रामचरितमानस की चौपाई, छंद, सोरठा, दोहे या भागवत के श्लोक इंसान के जीवन में घटित हैं। इसलिए कोई शब्द अगर किसी को लगे तो ब्याज समेत मुझे लौटा देना, समय मिले तो, लेकिन बुरा मत मानना। अब कन्हैया जी ने कहा, रुक्मिणी ने कहा, यह बताओ आपकी राधा का स्वभाव? कहने लगे, मिश्री जैसा और मेरा नमक। अब ऐसी स्थितियों में घर परिवार में क्या होगा, सिखाओ साहब, आप अनुभवी है, क्योंकि क्रोध इच्छाओं के विरुद्ध जाने पे ही आता है। मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। बोले, कैसी लगती है राधा बताएं आप? कि मीठी रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन ने करो भारत मति।
अर्धांगनी को जीवन संगिनी को अगर नमक कह दिया जाए तो थोड़ा चटपटे चटक शब्दों को तो सुनना ही पड़ेगा। विवाद बढ़ गया, ध्यान देंगे थोड़ा। आकस्मिक देव ऋषि नारद का आगमन हो गया, कहने लगे मातृशक्ति क्या बात है? बोले कुछ नहीं देव ऋषि, हमारा तो जीवन ही व्यर्थ है। अरे हमने जिसकी शकल देखी नहीं, जिसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं, जिसका कभी मैंने घर महल परिवार देखा ही नहीं, हम तो उसने नजर मिला बैठे, लेकिन अब लगता है हम तो अपना सब कुछ लुटा बैठे। बिन फेरे हम तेरे। रुक्मणी जी ने जब कृष्ण से प्यार किया है, कृष्ण को संदेशा भेजा है, उससे पहले रुक्मणी कृष्ण के सिर्फ कीर्ति को जानती थी, प्रत्यक्ष कभी मिली नहीं, घर देखा नहीं, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, कितना परिवार है, क्या वैभव है, और हम आपके हो गए। लेकिन यहां आने के बाद मेरे स्वामी मुझसे कह रहे हैं कि आपका स्वभाव नमक जैसा है और राधा का स्वभाव मिश्री जैसा। देव ऋषि ने समझाया, बोले रुक्मिणी मातृशक्ति, हे मेरी माँ, आप एक जगह क्यों नहीं स्थिर हो जाते? कि भगवान कृष्ण जगत के प्रतिपालक हैं, तारक हैं, तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्होंने नमक कहा और मिश्री कहा, तो इनके उपयोग को देखो जरा सा। मिश्री का उपयोग 5 अनाज में होता है, सिर्फ मिष्ठान में होता है, लेकिन है आदिशक्ति, नमक 18 प्रकार के अन्न में नहीं पड़े तो अधूरा हो जाता है, इसलिए उपयोग को देखा करते हैं, नाम को नहीं। नमक है, कितना उपयोगी है बताइए? अगर शरीर में पोटेशियम कम हो जाए तो हार्ट अटैक आ जाए ना? आप नोट कर लेना, अगर कैसी परिस्थिति आ जाए घर में और किसी बच्चे को या किसी वृद्ध को, बुजुर्ग को शीतल पसीना आने लगे शरीर में, या ऐसा लगे अब इसको हार्ट अटैक होने वाला है, या ऐसी स्थितियों के लेवल में, अगर आपने उसके मुख में जुबान के नीचे 4 ग्राम के लगभग या 2-3 ग्राम काला नमक डाल दिया और उसका अर्क उसके अंदर चला गया तो उस अटैक से बच जाएगा। 5 प्रकार के क्षार हैं क्योंकि उसमें पोटेशियम का इंग्रेडिएंट्स है, और जैसे बॉडी में पोटेशियम पहुंचता है ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है। रुक्मिणी से बाद संवाद हो रहा है, कैसी रही प्रभु आपकी बाल लीलाएं, कन्हैया अपनी व्यथा सुना रहे हैं। पारिवारिक जीवन की एक व्यवस्था है, जब दोनों आपस में चर्चा नहीं करें तो आनंद नहीं आता। भगवान कृष्ण ने कहा कि राजपुत्री प्रसिप्ता दूर पे लोक कपाल विभूति भी महानुभावे सीम भद्दिह रूपो दार्य बल जिते आन प्राप्तार्न हित्वा चैत्याह अस्मदमर्दन दत्तः भ्रात्रा चकस्मान्तु भवदृते स्मा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित बड़ा विषम परिस्थिति थी जब दोनों में चर्चाएं चल रही थी, अब भगवान ने भी प्रश्न कर दिया। रुक्मिणी आपके पिता अपने हिसाब से आपका विवाह शिष्यपाल से करना चाह रहे थे, लेकिन आपको ऐसा क्या लगा? ऐसा क्या लगा
कि आपको हमें ही अच्छा लगे? प्रश्न करते हैं ना लोग, आपके पास सब कुछ है, आपके पीछे हजारों लोग हैं, फिर भी आपने मुझे ही क्यों चूज किया? हम ही क्यों आपको अच्छे लगे? वो तुम्हारी बात। प्रश्न है ना, बार बार क्षमा मांग के ही बात करता हूं मैं, क्योंकि लोगों से अगर कोई बोला बाबा जी ने आज मेरे पे ही शुरू कर दिया। लोग पूछते हैं कि आपने हमें ही क्यों स्वीकृत किया? भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी तुम्हें तुम्हारे पिता अपने वैभव, अपने राज्य, अपने प्रक्रिया, समाज के आधार से अच्छे घर में देना चाहते थे, लेकिन आपने मुझे ही क्यों चूज किया? ऐसी क्या बात थी? शौर्य, सौंदर्यता, रूप, गुण, तेज, यश, क्या देखकर आपने मुझे स्वीकार कर लिया? कुछ तो होगा, आपके पास तो सर्वस्व है, लेकिन फिर भी आपने मुझे क्यों स्वीकार किया? रूप की वर्णन करें तो रुक्मिणी मैं वर्ण से सांवला हूं, काला हूं। सौंदर्य की बात करें और गुण की बात करें तो मैं जाति से और गाय चराने वाला गवाला हूं। मेरे पास ऐसी कौन सी कला थी? पता है रुक्मिणी ने क्या कहा? रुक्मिणी ने कहा, कन्हैया तू चाहे ग्वाला है या रंग से काला है, पर तेरे अंदर जो खासियत है ना वो और किसी में नहीं। तू रूप से काला है, सांवरा है, गैया चराने वाला गवाला है, पर तेरे प्यार में मेरे सांवरे वो समर्पण है, वो चाहत है कि तूने अपने भक्तों के लिए माँ का प्यार त्याग दिया, ये हर कोई नहीं कर सकता। सांवरे उसी प्यार ने मुझे दीवाना कर दिया। अरे मेरे नंदलाल, ये कोई नहीं कर सकता जो तूने किया। लोग तो खुद को ऊपर उठाने के लिए हजारों को गिरा देते हैं, ये खासियत तो तेरे में है सांवरे, जो अपनों को सिर पे बिठाने के लिए खुद को गिरा दिया करता है। मैं तो तुझे बाद में मिली मेरे नंदलाल, लेकिन तेरी चाहत से ही मुझे राहत मिल गई थी। देवकी ने जन्म दिया, यशोदा को तूने आनंद दिया, जिस मां ने जन्म दिया उसका भी परित्याग किया मेरे कन्हैया तूने, अपनों के लिए।